नमस्कार, यूपी 32 न्यूज में आपका स्वागत है। फिर से आज के मुख्य समाचार। जी, आपकी क्या प्रमुख समस्याएं हैं? मेरी प्रमुख समस्या यह है कि मैं संघ गाड़ी जन कल्याण सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो 5 साल से बराबर पार्टी में हूँ और फिर दोबारा अध्यक्ष हो गया हूँ। मेरा ये प्राचीन भादो मंगल मेला जो हर साल भादों के 8 मंगल को मनाया जाता है, इसमें अपने कुछ लोगों ने पैदा किया और उस मेले में वेट निकालने की पूरी कोशिश की, अपने को अध्यक्ष घोषित करके हमको किनारे कर मेला करने की कोशिश की, जिसमें हमने अपनी बात पुलिस और एडीएम साहब के सामने रखी। एडीएम साहब ने जो है हमारी पूरी मदद की और हमको अध्यक्ष मानते हुए अलीगंज थाने को मेरी परमिशन देने के लिए कागज रेफर किए, लेकिन अलीगंज थाने की पुलिस ने मेरे कोई भी कागज पे सही कार्रवाई नहीं की, ना ही मेरे कागज को सही माना और मेरी परमिशन को न देने का पूरी तरह से भरपूर प्रयत्न किया और कहा मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता, मैं एडीएम को परमिशन दे चुका हूँ, इसलिए मैंने दोबारा एडीएम साहब को जब परसों किया उनके यहाँ गए तो उन्होंने फिर दोबारा मेरी परमिशन मार की और सीओ साहब को फ़ोन किया कि नहीं, ये आदमी वैलिड है, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको अध्यक्ष की परमिशन दी जाए, लेकिन फिर भी अलीगंज पुलिस ने मेरी परमिशन नहीं दी। अध्यक्ष होने का दावा कौन करता है? अनिल कुमार कनौजिया। क्या आपके संगठन में उनका क्या पद है? मेरे संगठन में वो महामंत्री है। ये बताइए, ये बोला कि अगर आप लोग वहाँ जाइए अपना कार्यक्रम करिए और अगर इसके बाद अगर आप लोगों ने कोई भी दंगा या कोई भी बवाल होता है मैं सबको लाठियों से मारूंगा और मार मार के ला के सबको अंदर डालूंगा, 5-7 लाख रुपए का जुर्माना सबसे वसूलूंगा, लेकिन पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ मुझे बंद करना बंद कर दे, मैं अपने समाज के लोगों के ऊपर मैं लाठी नहीं चलवाना चाहता, इसलिए मैंने शांतिपूर्वक मैं अपनी बात को मैंने मीडिया के माध्यम से मैंने रखी और मीडिया के माध्यम से आज इसका नतीजा यह है कि आज मुझे एडीएम साहब और पुलिस ये कह रहे हैं कि आप लोग आइए बैठिए हम परमिशन देने के लिए तैयार। यही कारण अगर आप संगठन में क्या है नाम बताइए? मैं संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारा संगठन अलग है और मैं सभी संगठनों का मैं अध्यक्ष हूँ, हमारे साथ में कम से कम 10-15 संगठन हमारे समाज के एकजुट हम लोग मिलकर मैं उन सबका मैं अध्यक्ष हूँ और पुलिस ने अगर यही कार्य अगर किया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं। ये बताइए कि आपका ये जो संगठन है संगठन के वाला जिनके संगठन आप किस संगठन से जुड़े? मेरा संघ गाड़गे अम्बेडकर महासभा है जिसमें हमारे कई संगठन जिसमें जुड़ के हम लोगों का एक संगठन है महासभा। इंदर चंद कनौजिया का संगठन आपसे रिलेटेड है? इंदर आप कनौजिया जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। हाँ, आपको इस मेले से क्या लेना देना है? हमारा मेले से कोई लेना देना नहीं, मेले से हमारा ये कि अगर हमारा किसी भी संगठन के व्यक्ति पे या अगर किसी संगठन के आदमी के ऊपर अगर कोई दबाव बनाता पुलिस से प्रशासन या कहीं से भी अगर कोई हमारे समाज के साथ गलत होगा उसके लिए आई मैं खड़ा हूँ। इस परिवार के आप मुखिया हुए संगठन के, क्या आपने दोनों पक्षों को बैठा दी बातचीत कराई? बिल्कुल, बात करने के लिए हमने कोशिश की, एक पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं था जो महामंत्री का पक्ष था और हमारे उसके अलावा हमने अपने संगठन के कई लोगों को लगाया कि भाई आप लोग मिलकर इस कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार करिए, कोशिश करिए, मैं इस मामले को खत्म, ये सामाजिक मेला है, इसमें कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए समाज में। अनिल कनौजिया के खिलाफ क्या कार्रवाई आप करेंगे? अनिल कनौजिया के खिलाफ में कार्रवाई जो इंदर राज जी हमारे चाहेंगे, जो हमारे अध्यक्ष हैं, आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं सारे संगठनों का मुखिया होने के नाते मेरा दायित्व ये बनता है कि मैं फिर भी एक बार कोशिश करूंगा कि अध्यक्ष महामंत्री का जो झगड़ा वो खत्म हो और अगर वो नहीं खत्म करते हैं तो उसके बाद फिर जो हमारा अध्यक्ष जो चाहेगा संघ जन कल्याण सभा समिति का अगर वो चाहता है कि अरे आप अनिल कनौजिया ने इंद्रजन कनौजिया का फ्रॉड किया उसके लिए इनका दायित्व मेरा दायित्व ये बनता है कि जो भी मेरे इकाई जुड़ी है जिस इकाई का मामला होगा पहले मैं अपने अध्यक्ष को दूंगा, अध्यक्ष उसका डिसाइड करेगा, अध्यक्ष अगर डिसाइड नहीं कर पाएगा तो मैं दोनों पक्षों को बैठा के अपने स्तर से एक बार बात करूंगा, फिर भी अगर वो पक्ष नहीं मानता है कोई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, समाज के ठगने वालों को लूटने वालों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप जब भी आए हैं तो मुखिया के हैसियत से आए हैं, एक आदमी ने अनिल कनौजिया ने आपके इकाई के संगठन की बात नहीं मानी, आपको पता लग गया उसने फ्रॉड किया है,
वो आपके समाज के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप एफआईआर करा देनी चाहिए। आप एफआईआर कराओगे या नहीं कराओगे? आपका प्रदेश जो नेता तो वो भी बैठा हुआ है, बिल्कुल आप कराएंगे एफआईआर? बिल्कुल एफआईआर कराएंगे। पहले हमारा काम है हमारे समाज को मिला, हमारे समाज का आप ये बताइए, आज से मेला आपका आरंभ हो रहा, अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है आपकी? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी एडीएम साहब ने बुलाया, हम सब लोग एडीएम साहब के पास जा रहे हैं, एडीएम साहब को डिसाइड करेंगे वो होगा। अगर वहाँ पे किसी प्रकार का वो लोग अगर लड़ाई झगड़े की किसी प्रकार की दंगे प्रसाद की अगर वो होगी, पहले एडीएम साहब और सीओ साहब अगर मुझे कहेंगे कि कोई भी झगड़ा बवाल नहीं होगा पुलिस साहब के साथ है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता झगड़ा होने से वहाँ पे कल को हमारे समाज के जो लोग हैं उनको चोट पहुंचेगी, और मैं अपने समाज के लोगों को चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। ये लड़ाई हमारे संगठन की है, हम इसको संगठन के स्तर से इसको निपटेंगे, और क्या करना है वो इस मेले के बाद में हम सख्त से सख्त लोगों पर कार्रवाई करेंगे। ये मेरा